अचार ऐसा जिसे देख के मुँह में पानी आ जाए और दो की जगह हम चार रोटी खा जाएं, पेट भर जाए पर मन नहीं। हेलो गाइस, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम अपना चोखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे दो अचार, वो एक है अदरक का और दूसरा है हरी मिर्च का। ये अचार दोनों ही बहुत जल्दी बन जाते हैं और जैसे बनते हैं वैसे ही ख़त्म भी हो जाते हैं। आप इस अचार को एक हफ्ते तक फ्रिज के अंदर स्टोर करके भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। चलिए इसकी रेसिपी का झट से बनाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं झट से। सबसे पहले हम अदरक का अचार बनाएंगे। बरसात के मौसम में जो कच्ची अदरक आती है इस अचार के लिए सबसे बेस्ट होती है। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम अदरक ली है। अदरक की मात्रा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी भी आपने अदरक ली है उसे अच्छी तरह से सी लें। इस अदरक का छिलका बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है तो ये आसानी से उतर जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरक छिलने के बाद आप इसे अब अच्छी तरह से धो लीजिए। सारी अदरक को अच्छी तरह छिलके और धोने के बाद आप इसे पतला पतला स्लाइस करें। आप इसे जितना ज़्यादा बारीक स्लाइस करेंगे आपका अदरक का अचार उतना ही ज़्यादा बढ़िया बनेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए हमें कितना बारीक पतला पतला ऐसे स्लाइस करना है। हमारी सारी अदरक अच्छी से स्लाइस हो चुकी है, अब इन्हें इकट्ठा करेंगे, यानी 4-5 स्लाइस लेंगे और एक के ऊपर एक अरेंज करेंगे। जैसे हमने पतला पतला यहाँ पर अभी स्लाइस किया था, अब फिर से इसे अब लंबा लंबा स्लाइस करेंगे। ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया अदरक कट के तैयार हो रही है। आप इसे जितना ज़्यादा बारीक काटेंगे आपका अचार उतना ही ज़्यादा यम्मी बनेगा। इसी तरह से आप सारे अदरक को ऐसे स्ट्रिक्स में काट लीजिए। हमारा यहाँ पर अदरक का लच्छा कट के तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी 2 बड़े साइज़ के नींबू का रस। अगर आपकी नींबू का साइज़ छोटा है तो आप 3 या 4 कर सकते हैं। नींबू को काटेंगे और इसे डायरेक्ट ही अदरक के ऊपर डाल देंगे। आप जैसे जैसे नींबू का रस इसके ऊपर डालेंगे आप देखेंगे कि अदरक का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। नींबू का रस डालते ही अदरक हल्का सा पिंक होना शुरू हो जाता है और 1-2 घंटे के बाद ये बिल्कुल डीप पिंक कलर का हो जाएगा, जो अचार को बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर और खाने में यम्मी बनाता है। हमारे दोनों नींबू के रस अच्छी तरह से इसमें निचुड़ चुके हैं और बीज भी अलग हो चुके हैं। अब इसमें मिलाएंगे 1/4 चम्मच नमक की। नमक की मात्रा आप अपने अदरक के अनुसार या अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। नमक मिलाकर अदरक को और नींबू को अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप चाहो तो इसके अंदर 1-2 हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हो, वो भी इस अचार के अंदर अच्छी लगती है। आप इस अचार को बर्नी में डालकर फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए। 1-2 घंटे रखने के बाद इसका कलर बहुत पिंक हो जाएगा और साथ में ठंडा भी हो जाएगा। 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद हमारा अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए झट से अब मिर्च का अचार भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 150 ग्राम हरी मिर्चें। मार्केट में हरी मिर्च बहुत तरीके की आती है, कोई छोटी होती साइज़ में, कोई बड़ी और कोई छोटी पतली, कोई मोटी। इस रेसिपी के लिए आप थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्च का यूज़ करें क्योंकि खाने में कम फीकी होती हैं। इन सब हरी मिर्चों की मैंने डंडी को तोड़ दिया है और अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद अब इस हरी मिर्चों को हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। अगर आपने ये हरी मिर्च का अचार थोड़ा कम तीखा बनाना है तो आप इसके बीजों को भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मिर्च खाने में तीखी पसंद है तो आप इसके बीजों को ना निकालें, इन्हें ऐसे ही 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। लेकिन मैं यहाँ पर बीजों का भी यूज़ करूँगी, मैं उसे निकाल लूँगी नहीं क्योंकि मिर्च का अचार थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर सारी हरी मिर्च काट ली हैं, अगर साइज में लंबी लग रही है उसे हम छोटा कर देंगे। हरी मिर्च काटने के बाद अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच हम सरसों के तेल की डालेंगे। तेल को हम स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे, फिर गैस की आँच को कम कर उसमें हरी मिर्च डाल देंगे। गैस की आंच को आप कम ही रहने दें, यानी हमें इसे मध्यम आंच पर ही पकाना है। आप इसे 5 से 6 मिनट तक लगातार चलाते रहें मध्यम आंच पर, जब तक आपकी हरी मिर्च सॉफ्ट ना हो जाए और साथ में इसका कड़वापन भी ऐसे निकल जाएगा। लगभग 5 मिनट मुझे हो गए हैं यहाँ पर लगातार चलाते चलाते और मिर्च भी देखने में सॉफ्ट लग रही हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है हमारा इसमें मसाले मिलाने का। अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले। सबसे पहले लेंगे हम 1/2 चम्मच नमक, या स्वाद अनुसार या फिर अपनी मिर्च की क्वांटिटी के अनुसार। इसी के साथ मैं मिलाऊंगी इसमें 1.5 बड़ा चम्मच सूखा धनिया पाउडर।
चौथाई चम्मच से भी थोड़ी सी कम हल्दी और एक बड़ा चम्मच सौंफ का पाउडर। जो खाने वाली सौंफ आती है मैंने उसे ही मिक्सी में पीस लिया है, इसमें आप खुशबू वाली सौंफ का यूज़ ना करें। साथ में इसमें मिलाएंगे हम एक चम्मच अमचूर पाउडर का। सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर हमारे सारे मसाले मिर्च में अच्छी तरह से लिपट भी जाएंगे और मसाले भुन भी जाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी मिर्च बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तब तक खाते रहें, खिलाते रहें।